भाई लोग बहुत बड़ी अपडेट है। WWE ने अपने मेगा मेगा सुपरस्टार को रिटर्न कराने के लिए पूरी तरीके से हिंट दे दिया है। भाई लोग मैं बात कर रहा हूँ जिस सुपरस्टार की, उसको तो हर कोई चाहता है कि वो WWE में आए रेसल करे। मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डेन जॉनसन द रॉक पीपल चैंप ब्रामा बुल के बारे में। भाई लोग WWE वाले हैं जो उनकी मर्चेंडाइज है उसको पूरी तरीके से नई मर्चेंडाइज निकाली है हुडी की। तो भाई लोग जो अपडेट आ रही है कि टेक्सास में जो रॉयल रंबल होगा उसी को लेकर जो हुडी निकाली है WWE वाले ने रॉक की, वो आ चुकी है मार्केट में। तो भाई लोग जो WWE पूरी तरीके से हिंट कर रहा है रॉक को लेकर के कि रॉक रॉयल रंबल में आने ही वाले हैं। भाई लोग लेकिन WWE वाले काफी ज्यादा चतुर हैं, काफी ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं इसे जो फैंस हैं उनके ऊपर गुस्सा ना निकाल सके, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई हिंट नहीं दिया क्लियर मतलब लीगल कि जिससे ये लगे रॉक आने ही वाले, अगर ना आए तो पोपट हो जाए। लेकिन WWE वाले जो अपने अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट से कहीं किसी भी ट्विटर से इंस्टाग्राम से लगातार हिंट दे रहे हैं रॉक को लेकर के कि रॉक आने वाले हैं। भाई लोग क्या रॉक आएंगे या नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी अभी खबर है, लेकिन जो हिंट है उसे तो लग ही रहा है कि रॉक आएंगे, क्योंकि WWE ने पूरी तरीके से स्पॉइलर दे दिए है रॉयल रंबल का। कोडी रोड्स अनाउंस, ब्रॉक अनाउंस, सेठ अनाउंस और अपने समी जैन अनाउंस, लेकिन अभी तक नहीं अनाउंस हुए हैं द ब्रामा बुल। तो भाई लोग ब्रामा बुल से बड़े तो कोई हो नहीं सकता शॉक देने के लिए WWE को। तो क्या अपने रॉक आएंगे, क्या रॉयल रंबल जीतेंगे या फिर नहीं आते रॉक अपने, क्योंकि अगर भाई लोग WWE ये भी तो कह दे कि मैंने थोड़ी अनाउंस किया था कि रॉक आने वाले हैं, मैं तो अपने ऐसी मर्चेंडाइज निकाला, मैं हर सुपरस्टार की मर्चेंडाइज निकालता हूँ हर बड़े PPV के पहले, ऐसे ही मैं रॉक की भी निकाल दिया हूँ। लेकिन भाई लोग कुछ ना कुछ तो इसमें समझ में मुझे आ रहा है, क्योंकि हॉलीवुड में जब रेसलमेनिया है तो रॉक से बड़ा मेगा स्टार नहीं मिलेगा मेन इवेंट करने के लिए रोमन रेंस के सामने, क्योंकि भाई रॉक जैसा सुपरस्टार आपके पास कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि रॉक के बाद अगर कोई सुपरस्टार है जो रोमन से फेस ऑफ कर सकता है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ब्रॉक से तो रेसल कर चुके हैं, जॉन सीना से कर चुके हैं, तो सिर्फ एक ही नाम बचता है सेठ फ्रिकिंग रोलिंस। लेकिन सेठ रोलिंस से नहीं WWE लड़ाएगी, क्योंकि सेठ रोलिंस कभी उस तरीके का एलिवेट नहीं कर रहे हैं ट्रिपल एच, और सेठ रोलिंस को पहले बड़ा पुश करना होगा उसके बाद रोमन से लड़ाना पड़ेगा। तो भाई लोग ये अपडेट है अपने ब्रामा बुल रॉक को लेकर, क्या रॉक रॉयल रंबल में आने वाले नहीं आने वाले। अगर आपको मेरी न्यूज अपडेट अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग। थैंक यू भाई लोग।